हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोटोशॉप से आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटोशॉप 7 में आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनाना। सबसे पहले करना क्या होगा, हमें अपने कंप्यूटर में जाना होगा। कंप्यूटर में जाने के बाद आपने जो फोटोशॉप डाउनलोड किया है फोटोशॉप 7 में, उसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप फाइल चूज़ करेंगे, फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है और जो भी इमेज आपको एडिट करनी है वो उसको ओपन कर लीजिए। जैसे मैं इस इमेज को एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इसके राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे सेट कर दीजिए, जहाँ भी आप एडिट कर सकते हैं, और फुल साइज़ कर दीजिए। फ़ोटो को यहाँ पे लेने के बाद आपको इसकी साइज़ को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनानी है तो इसको क्रॉप करना होगा। क्रॉप वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना होगा। क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइज़ जो सिलेक्ट की गई है मेरे द्वारा, उस वही साइज़ आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की साइज़ दी गई है 4:6 या 2:3, जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो साइज़ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉप करना है। इस इमेज के ऊपर आके आपको माउस की सहायता से इस फोटो को क्रॉप करना होगा, और आप क्रॉप करने के बाद आपको ये इंटर दबा देना होगा। जैसे आप इंटर दबा देंगे, हमारी ये फ़ोटो क्रॉप हो चुकी है। इसको एक साइड में रख लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पर ओके करना होगा। न्यू पे ओके करने के बाद यहाँ पे जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ अपना तरफ से टाइटल, आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको साइज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद हमारे यहाँ पे नया ऑप्शन ओपन हो चुका है, उसको यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। और जो हमने इमेज एडिट की थी उस इमेज पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। उस इमेज पे जाने के बाद क्लिक करके उसको माउस की सहायता से पकड़ के इस वाले ऑप्शन में लाएंगे। यहाँ पे आप लाके उसको छोड़ दीजिए, तो ये आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यहाँ पे आ गई। और उसके बाद में आपको एल्ट और माउस की सहायता से इसको और यहाँ पे करना होगा, एक्स्ट्रा फ़ोटो के ऊपर एल्ट की दबा के और माउस की सहायता से इसको इधर करें, जितने चाहे आप फ़ोटो निकाल सकते हैं। इस तरह से पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो निकाली है। इसको फुल साइज़ कर दीजिए। फुल साइज़ करने के बाद आपको यहाँ पे वापस फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। फाइल का ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट और व्यू का दिखाई देगा। इस प्रकार से हमने 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बना ली है, और आप यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं इसका। मैंने यहाँ पे 4 साइज़ की फ़ोटो बना के दिखाई है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो इस एल्ट के की सहायता की मदद से आप और भी यहाँ पे जितनी चाहे फ़ोटो निकाल सकते हो। इस प्रकार दोस्तों, आप जितनी चाहे फ़ोटो यहाँ पे बना सकते हैं, 4, 8, 4, कितनी भी, जो भी आपको जितनी चाहिए, या एक निकालना चाहते हो एक भी निकाल सकते हो, जितना भी चाहे। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। और भी तरीके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने के, वो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। और इस फाइल को सेव करने के लिए आप सेव पर क्लिक कीजिए, जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप जो भी है उसमें आप इसको सेव कर दीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन नई नई टेक्निकल से जुड़ी वीडियो लाते रहता हूँ। गुड डे, टेक केयर।